द कपिल शर्मा शो पिछले 7 सालों से ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा है। कॉमेडियन कपिल शर्मा के इस शो ने खूब नाम कमाया। एक वक्त था जब इसमें काम करने वाले कलाकारों के किरदार हिट हुआ करते थे और उनके डायलॉग्स लोगों की जुबान पर छाए रहते थे। इस शो से कई स्टार्स जुड़े और कई अलग भी हुए हैं। इसमें सुनील ग्रोवर से लेकर कृष्णा अभिषेक और चंदन प्रभाकर तक शामिल है जिन्होंने शो छोड़ा है। अब इस लिस्ट में सिद्धार्थ सागर का नाम भी जुड़ गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने भी शो को अलविदा कह दिया है। सिद्धार्थ सागर जिन्होंने द कपिल शर्मा शो में अलग अलग किरदारों जैसे सेल्फी मौसी, उस्ताद, घर चोरदास, फनवीर सिंह और सागर पगनेतू से सभी का मनोरंजन किया। सिद्धार्थ सागर ने ऑडियंस को खूब हंसाया और उन्हें खूब गुदगुदाया भी। सिद्धार्थ सागर अपने किरदार फनवीर सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। दरअसल कॉमेडियन रणवीर सिंह की बहुत अच्छी मिमिक्री करना जानते हैं। उन्होंने शो छोड़ दिया है। उनके इस फैसले के पीछे शो के प्रोड्यूसर के साथ पैसों की समस्याएं बताई जा रही है। सिद्धार्थ अपनी फीस में बढ़ोतरी करना चाहते थे लेकिन मेकर्स उनकी सैलरी बढ़ाने को तैयार नहीं थे और इसलिए उन्होंने शो छोड़ने का फैसला किया है। द कपिल शर्मा शो के शूटिंग के लिए मुंबई शिफ्ट हुए सिद्धार्थ सागर दिल्ली वापस अपने घर चले गए हैं। शो में उनकी वापसी की संभावना काफ़ी कम है। सिद्धार्थ सागर अकेले नहीं है जिन्होंने हाल के दिनों में द कपिल शर्मा शो छोड़ा है। सिद्धार्थ से पहले कृष्णा अभिषेक, भारती सिंह, चंदन प्रभाकर, सुनील ग्रोवर, अली असगर, उपासना सिंह ने भी अलग अलग समय पर शो छोड़ दिया था। सिद्धार्थ इस शो में पिछले 7 सितंबर से जुड़े थे। उन्हें कृष्णा अभिषेक के जाने के बाद शो में लिया गया था। सिद्धार्थ सागर से इस बारे में सवाल पूछा तो पहले तो उन्होंने कमेंट्स करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि अभी भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, बातें अभी चल रही हैं। द कपिल शर्मा शो 2016 में लॉन्च किया गया था और तब से भारतीय टेलीविजन शो के सबसे पसंदीदा कॉमेडी शो में से एक है। जज्बा में आज यहीं तक, कल शाम 5 बजे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल देखते रहिए। नमस्कार।